हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो काफ़ी टाइम से एक रेंज में फंसा है, 21 रुपये से लेके 26-27 रुपये तक। इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हुए वो भी काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, फिर भी इसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई। ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं दोस्तों, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है, बट ये रिटेलर को ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि स्टॉक का प्राइस क्यों फंसा हुआ है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी का। देखो दोस्तों, मार्केट कैप सही है, स्टॉक चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, स्टॉक काफ़ी कम प्राइस पे अवेलेबल है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा देती है, फेस वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, और ये हाई लो आप देख सकते हो दोस्तों। फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टॉक आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं चल रहा है? इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। यहाँ पे आप प्रोस और कॉन्स देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी कोई मुझे इसमें ख़राबी लग नहीं रही है, बट फिर भी स्टॉक का प्राइस ना ज़्यादा नीचे जा रहा है ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। 20-21 के नीचे के लेवल से लेके ऊपर तक 25-26 के लेवल के आसपास का ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जहाँ मार्केट में इतनी सारी गिरावट हुई वहाँ ये स्टॉक भी अभी तक अपने लोअर लेवल को ब्रेक नहीं किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट है, इसमें आप नेट प्रॉफिट देखो कितना अच्छा कंसिस्टेंट है। यहाँ देखिए 1483, 1502, 1501, 1594, मतलब कहीं भी यहाँ पे इन क्वार्टर में गिरावट नहीं है, ठीक है। यहाँ सेल्स में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 4000 के आसपास का सेल था, यहाँ पे 4500 के आसपास हो गया, यहाँ पे 4700 हो गया, यहाँ पे 5000 से भी ऊपर निकल गया। हम ईयरली देख लेते हैं, सेल्स 9000, 11000, 13000, 15000, 18000, लगातार सेल्स में ग्रोथ है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देख लीजिए, नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है, 2000, 2200, 3100, 4400, 6000, ये लगातार कंपनी में जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रही है। आप यहाँ EPS भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, 2.69, 3.38, 4.65। यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसमें कोई खराबी हो। और यहाँ पे ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी देखने लायक चीज़ है दोस्तों, रिजर्व जो था कंपनी का वो यहाँ पे आप देख सकते हो 7400, 15600, 18400, 22800, 26400, लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोरोइंग भी यहाँ पे कम होती हुई अपने को दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 323 और यहाँ पे 198। और कंपनी फाइनेंस करती है, मतलब बोरोइंग तो ज़रूर लाजमी है कि कंपनी पे कर्ज़ा तो होगा ही होगा, तभी कंपनी कर्ज़ा लेके कर्ज़ा देती है, ये फाइनेंस कंपनियों का एक बेसिक सिस्टम होता है। अब जो मेन कारण है, जो मेन रीज़न है, जो मैं आपको बताने वाला था कि क्या ऐसा कारण है कि जो सब चीज़ फंडामेंटल अच्छे है, सब कुछ रिजल्ट अच्छे है, फिर भी कंपनी में क्यों गिरावट आ रही है, क्यों कंपनी के स्टॉक की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है, तो ये है मेन कारण। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 86.36 जो कंटिन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे है, 21 में मार्च, जून 21, सितंबर 21 और दिसंबर 21, मतलब ये कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है जो काफ़ी ज़्यादा है, सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ये 75 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये इनको 3 साल में इसको एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे लगता है ये कंपनी जल्दी अपना OFS लाएगी, ऑफर फॉर सेल, और जब ये ऑफर फॉर सेल एक बार आ जाएगा, जब ये प्राइस एडजस्ट हो जाएगा और प्रमोटर की होल्डिंग 75 या 75 से थोड़ी कम, मिनिमम 70, मैक्सिमम 75 कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, सो ये एक बार हो जाने पे फिर इसमें इसके शेयर प्राइस में हमको उछाल देखने मिल सकता है। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर मैं बोल लूँ कि अभी कोई जल्दबाजी मत करो इन्वेस्टमेंट करने की इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और जब तक OFS ना आए मेरे हिसाब से इसमें ख़रीदारी करना थोड़ा गलत होगा,
और अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में करें, तो कई और ऑफर फॉर सेल आएगा तो हमको उसमें और थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है और हम उसमें पार्टिसिपेट करके हम उसमें बाइंग कर सकते हो। बाकी कंपनी एकदम ज़बरदस्त है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है, बिज़नेस बहुत ही शानदार है और कंपनी अपना बिज़नेस अभी जो पहले जो करती थी वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा डाइवर्सिफाई और बहुत ही शानदार करने वाली है आने वाले टाइम में। सो यही एक मेन पॉइंट था, तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको क्लियर कर दिया है दोस्तों, और आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बनाया है, कोई सेलिंग और बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। बाय।